जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इंस्टॉलमेंट इससे पहले हम देते थे इंस्टॉलमेंट देते थे और देते थे प्लस इंटरेस्ट, अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन में जो दे रहे हैं ना इंस्टॉलमेंट, उसी में इंटरेस्ट है। मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में हम मशीन ला रहे हैं 12894 और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप सबसे पहले दे रहे हो 2000, अब वहाँ पे बचा 10894 और कह रहा है कि आप तीन तीन इंस्टॉलमेंट देते हो 4000, 4000 और 4000। चले, इससे पहले था 4000 प्लस इंटरेस्ट नहीं, अब क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है 4000 ओनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंज है एंड पे, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना। सबसे पहले 1st January 2017 कैश प्राइस ऑफ मशीन बड़ा कितना है 12894। ठीक है, 12894। तो सबसे पहले हमने कितना दिया इसे 2000 लेस कैश डाउन 2000 10894। तो सबसे पहले हमने 2000 दे दिया, इसमें इंटरेस्ट नहीं कटता और यहाँ पे आ गया 2000। अब साल हो जाएगा एंड, जब एंड हो जाएगा दैट इज 31st December 2017, साल के एंड पे क्या चढ़ता है इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, जो कि आता है 545। ठीक है, तो आता है ये 11439। सो इंटरेस्ट हमें चढ़ा, वो कितना चढ़ा हमारा 545। अब इंस्टॉलमेंट कितना दिया लेस इंस्टॉलमेंट 4000 ही खा ले, 4000 प्लस 545 नहीं लिखना बेटा क्वेश्चन में, ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ दे रहा है 4000, इंस्टॉलमेंट कितना है बेटा 4000। इससे पहले जो क्वेश्चन होता था आप लिखते थे 4000 प्लस 545, बिकॉज वहां पे लिखा होता था इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, एक तो इंस्टॉलमेंट देता था और इंटरेस्ट। अगर इस क्वेश्चन में देखोगे आप, क्वेश्चन कहेगा सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट दे रहा है 4000 प्लस इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है बेटा। ठीक है, वहां पे होता था टुगेदर प्लस इंटरेस्ट लिखे, इट मींस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, एक तो इंस्टॉलमेंट देते थे आप 4000 और देते थे इंटरेस्ट 545, पर ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है ये इंस्टॉलमेंट दे रहा है 4000 और 4000। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। चलो, सो इंस्टॉलमेंट कितनी दी इसने 4000 एंड 4000 माइनस 545 सो ये आता है 3455। ओके, अब और एक साल हो जाएगा 31st December 2018 एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, जो कि आता है 372। हमने नियर रूपी लिया है, पॉइंट्स हमने अवॉइड किए हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा जो चढ़ा वो चढ़ा 372 लेस इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट है वो है सिर्फ 4000, 4000 प्लस 372 नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। सो 4000 1 1 8, सो यहाँ पे 4000 है और 4000 माइनस 372
ये 3628 आ रहा है। अब याद रखना जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में क्या होता है, आप ये अमाउंट डायरेक्ट उठाते हो और लिखते हो यहाँ पे हाउ मच वी आर ओविंग 3811 और ऐसा कितना दे रहे 4000। दिस माइनस दिस 4000 माइनस ये डायरेक्ट निकालते हैं इंटरेस्ट। प्लीज लास्ट याद रखना, एंड पे हम इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, हम देखते हैं एंड पे हम हाउ मच वी आर ओविंग 3811 वो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है 3811। फिर 4000 लिखते हैं क्योंकि हम 4000 देते हैं। दिस माइनस दिस वो आता है हमारा 189, ठीक है। सो ये आता है आपका 12894 और ये आता है 1106, ठीक है 1106, ठीक है। अब इसके बाद आपको अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मशीन कितने में खरीदी 12894, मशीनरी अकाउंट डेबिट 12894, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। पहली जर्नल एंट्री जो होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कितने में 12894। अब सबसे पहले हमने कितना दिया इसे 1 जनवरी 2017 हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये दो जनरल एंट्रीज एक्स्ट्रा होती है, वरना हर एक साल में तीन तीन एंट्रीज होती है, ठीक है। सो पहली जर्नल एंट्री जो है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल रहेगा सेम, ठीक है। हाँ इसमें आपने थोड़ी मेथडोलॉजी चेंज की, लेकिन यहाँ पे जर्नल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ 31 दिसंबर 2017 इंटरेस्ट कितना आया 5445, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 545, ठीक है। थोड़ा रिपीट करें अपने आप से, दूसरी एंट्री क्या है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश मींस 4000। फिर ये इंटरेस्ट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो हर साल तीन एंट्रीज होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर भी यही तीन एंट्रीज हो जाएगी, देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब इंटरेस्ट कितना है 372, फिर पैसा कितना देता हूँ इंस्टॉलमेंट, सो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश हाउ मच 4000, ओके। एंड थर्ड वन, ये इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हाउ मच दैट इज 372, ओके। अब फिर तीन एंट्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लिसन टू मी, अब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर इंटरेस्ट कितना है 189, पैसा कितना दे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 4000। एंड थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा बहुत आप इसमें नजर दे, ठीक है, अच्छे से पढ़े और आपको आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये दो एंट्रीज एक्स्ट्रा होती है एक साल, क्योंकि सबसे पहले हम मशीन खरीदते हैं और उसके बाद कैश डाउन देते हैं, फिर हर साल तीन तीन एंट्रीज, वो तीन एंट्री क्या है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंड अगेन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इस बात का ख्याल रखें, अगर कैश डाउन नहीं होगा क्वेश्चन में, अगर कैश डाउन नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं हो जाएगी, पर ये तो हो जाएगी, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट।